सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप लोग? काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 5 बेस्ट साइकिल अंडर 20,000 पीस। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही मैं कवर करने वाला हूँ, जो बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी देख सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब पहले ही बता दूँ कि मैं किस किस टाइप का साइकिल रख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी प्राइस रेंज है, ये सिर्फ एक MTB साइकिल ही के लिए। MTB साइकिल के पूरा कवर करके रखा हूँ टॉप 5 बेस्ट साइकिल अंडर 20,000 रुपीज़। कल मैं वीडियो बनाऊँगा टॉप 5 बेस्ट साइकिल अंडर 10,000 रुपीज़, उसका 50,000, उसके बाद 35,000। ओके, ऐसे इसलिए गाइस मैं आपको पहला नंबर का फिफ्थ नंबर का साइकिल बता देता हूँ। तो फिफ्थ नंबर का साइकिल का नाम है डिफीटर पोर्ट 2090। सो गाइस, ये साइकिल में आता है डुअल डिस्क ब्रेक विद 80mm का सस्पेंशन ट्रैवलर। इसमें आता है 7x3 का सस्पेंशन, 7x3 का डिलेयर जो है गाइस आपको गियर के साथ, 7x3 का शिमानो या फिर स्किलफुल या फिर माइक्रोसॉफ्ट, तीनों में से किसी एक में का जो कंपनी का या फिर ब्रांड का जो गियर होता है वो इसमें सेट होगा। 7x3 का आपको डिलेयर मिलेगा, यानी कि 21 कॉम्बिनेशन ये क्रिएट करता है। और गाइस इसमें मिलता है, इसका गाइस जो वेट है वो है 17.3 kg। इसमें गाइस जो आपको मेन मिलता है वो होता है गाइस इसका 640 का जो हैंडल बार होता है वो 640 का मिलेगा। अगर 700 से ऊपर का रहेगा अगर आपका जो हैंडल बार है वो काफ़ी अजीब टाइप का रहेगा, मतलब बहुत अजीब। ये कुछ आपको इस टाइप से भाई ऐसे चलाना पड़ेगा भाई, बहुत दिक्कत होता है। मैं चला रखा हूँ इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको 700 से ऊपर का अगर आपका साइकिल का वो है हैंडल बार, देन यू हैव नॉट टू प्रेफर दिस साइकिल फॉर यू। ओके गाइस, मैं आपको बता देता हूँ इस साइकिल में क्या खासियत है। इस साइकिल का जो गाइस प्राइस रेंज है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा गाइस इसका जो प्रिंटिंग है गाइस वो काफ़ी अच्छा है। ये स्टिकर लेस आता है इसका जितने भी प्रिंटिंग होता है। एंड हाँ, इसका जो गाइस जो फ्रेम है वो काफ़ी यूनिक फ्रेम है गाइस, ठीक है। यूनिक का मतलब सेम ही है बट थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें दे दिए जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। और चलो ये तो है टॉप 5, एंड चल दो लेके चलते टॉप 4। सो गाइस टॉप 4 का जो साइकिल है वो आता है फायरफॉक्स का क्रीट 27.T। एंड ये साइकिल काफ़ी अच्छा है बजट रेंज में। एंड गाइस इसमें जो चीज़ मिलता है वो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी। इसमें गाइस मिलता है शिमानो का एल्टस, ठीक है ना भाई मेरा, क्योंकि एल्टस आता है 20,000 के ऊपर का साइकिल में। यस, 20,000 के ऊपर का साइकिल में। बट इसमें देने का क्या मतलब भाई, 20,000 के ऊपर का मतलब ये नहीं कि 21,000 से, नहीं भाई 25,000 के ऊपर से स्टार्ट होता है। क्योंकि इसमें एल्टस में जो मिलता है बहुत यूनिक सा आपको इसमें मिलता है, 32T का 7x3 का कॉम्बिनेशन बनाता है। कभी कभी आप बना देता है 24 या फिर 27 का कॉम्बिनेशन बनाता है। एज अगर आप थोड़ा सा पे ज़्यादा करते हो तो कस्टमाइज कर सकते हो अपने, मतलब बोल सकते हो अपने इसको डीलर को कि भाई थोड़ा सा अगर आप बात करते हो, व्हाट्सअप इसका नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, आप बात करना। अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो तो बिल्कुल करवा सकते हो। 1,500 रुपये दे के अपना जो साइकिल कस्टमाइज़ करवा सकते हो बहुत ओपी तरीके से। इसमें गाइस 80mm का डीलर, 80mm का गाइस सस्पेंशन एंड डीलर फ्रंट डीलर में 7 स्पीड एंड रियर डीलर में 3 स्पीड। ओके, दोनों ही गाइस आपको मिलता है शिमानो एल्टस का, एक मिलता है शिमानो टर्नी का। गाइस शिमानो टर्नी का रियर मिलता है एंड शिमानो आपको मिलेगा एल्टस का, एंड फ्रंट डीलर मिलेगा आपको टर्नी का, शिमानो टर्नी का। इसमें काफ़ी अच्छे सस्पेंशन और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक, थोड़ा बोल्ड टाइप का लगता है। बोल्ड का मतलब भाई तुम भयानक टाइप का ये साइकिल लगता है इसका डिज़ाइन। तो गाइस अब मैं चलता हूँ टॉप 3 पे। सो गाइस टॉप 3 पे मिलता है हमारा 91 का वाइपर, क्योंकि वाइपर इज़ अ वाइपर। सच में गाइस सब बात को वाइप करके इसको भी लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये साइकिल काफ़ी अच्छा बजट रेंज में आता है। सो गाइस इसमें आपको मिलता है 60mm का ट्रैवलर ये सस्पेंशन मिलता है, 7x3 का सस्पेंशन, सॉरी सो गाइस मिलता है 7x3 का गियर कॉम्बिनेशन जो कि काफ़ी अच्छा है। शिमानो टर्नी का इसमें कॉम्बिनेशन फ्रंट एंड रियर दोनों में मिलेगा। डीलरर में शिमानो का जो मिलेगा, डीलरर भी शिमानो का ही होगा, ओरिजिनल शिमानो का। एंड इसका वेट होगा 18.5 kg, ठीक है।
18.5 की थी। अब अगर इसका कुछ खासियत बताओ, क्योंकि मैं हर साइकिल का खासियत बताता ही हूँ। इस साइकिल का जो गाइस हैंडल बार है वो काफ़ी अच्छा, और हर साइकिल को अपने हिसाब से बहुत अच्छा एफर्ट्स डालता है ये साइकिल कंपनी। मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत और ब्रांड बता देता हूँ। चलो सो गाइस, इसके में तो डबल वॉल रिम मिलता है एंड गाइस डुअल डिस्क ब्रेक मिलता है। सो गाइस ये था कुछ एडवांटेज, मैं डिसएडवांटेज कोई का नहीं बता सकता, क्योंकि भाई देखो साइकिल अपने अपने हिसाब में अच्छी होती है। लेकिन गाइस कोई प्रमोशन नहीं भाई, इतना कम सब्सक्राइबर वाले को कौन प्रमोशन देगा, हट। सो मैं चलता हूँ टॉप टू पे, चलो। सो गाइस अब मैं ले चलता हूँ टॉप टू पे, जो है कि कैमेट। गाइस बता दो कैमेट किस चीज़ के नाम पर रखा गया, वो गाइस है गढ़वाल में, उत्तराखंड गढ़वाल में एक माउंटेन है जो कि गढ़वाल का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन आता है। कैमेट 27.3 जो साइकिल है वो उसमें आपको मिलता है लॉक इन लॉक आउट का फीचर, सस्पेंशन का फीचर जो 60mm डिलेरर के साथ 60mm सस्पेंशन के साथ आता है, ट्रैवलर सस्पेंशन के साथ। फ्रंट एंड रियर डिलेरर में आपको मिलेगा श्रीमान और टर्नी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है, जो कि ब्रांडेड साइकिलों में ही आती है। एंड गाइस इसमें मिलता है आपको गाइस अलॉय, आई थिंक एल्युमिनियम अलॉय का पूरा फ्रेम मिलता है, हाँ एल्युमिनियम अलॉय का, इसलिए काफ़ी मतलब हल्का होता है ये, अराउंड आता है 60kg का ही आता है गाइस साइकिल, एंड ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है ना गाइस। और इसका कुछ खासियत बता दो, कुछ खासियत मतलब ये गाइस देखो ये इसका है गाइस, जो जितने भी ये कलर में आता है ये काफ़ी अच्छा और यूनिक कलर में आता है। एंड जैसे मैं ग्रे आता है, ग्रे मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। ग्रे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि देखो गाइस ग्रे थोड़ा सा अंदर से वो डैशिंग टाइप का गाइस माहौल बनाता है, इसलिए गाइस मुझे ये पसंद आता है। एंड बस गाइस अब मैं आपको ले चलता हूँ टॉप। सो गाइस अब आ जाता हूँ टॉप वन पे, जो है गाइस आपको जाके 91 का क्या है भाई, 91 का पैंथर 2019। गाइस ये साइकिल बिग कैट सीरीज में आता है, जो स्नो लेपर्ड है वो भी बिग कैट सीरीज में आता है, कहीं टाइगर भी ला दे भाई, कोई लाइन भी ला दे, आई थिंक मुझे लग रहा है ऐसा कुछ लाएगा ज़रूर 91। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप लोग सब लोग के क्वेरीज ये रहेंगे कि 91 तो ज़्यादा क्यों ले रहा है, 91 साइकिल ब्रांड क्यों ले रहा है। पहले बता दूँ 91 इंडियन ब्रांड है, एंड इंडियन ब्रांड को मैं सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साइकिल है वो भी काफ़ी अच्छे ब्रांड से बिलोंग करते हुए 91, एंड 91 इंडियन ब्रांड है, एंड इंडिया ही मेड इन इंडिया बनती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बस इसमें 60mm का सस्पेंशन, ओके अब मिलता है इसमें डुअल डिस्प्ले, गियर मिलता है 21 स्पीड का 7x3 का कॉम्बिनेशन बना के। एंड इसमें आपको आई थिंक मिलता है कार्बन फाइबर सॉरी एल्युमिनियम अलॉय मिलता है, फिर स्टील हाईटेक मिलता है, डुअल डिस्प्ले एंड 21 स्पीड का आई थिंक टर्नी का मिलता है 7x3 का, 7 पीछे 3 आगे, 7x3 का 21 स्पीड का कॉम्बिनेशन मिलता है इस साइकिल में। बस गाइस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही, चैनल पे चलो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से दबा देना। चलिए वीडियो को बंद करते हैं, बट गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।